हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी पहली कंप्यूटर की वीडियो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। उसमें मैं आई नो वेरी वेल कि आप लोग 6th, 7th, 8th में बल्कि 3rd से ही कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल जब हम कोई भी सब्जेक्ट दोबारा भी शुरू करते हैं तो वी जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और कंप्यूटर तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बेसिक्स तो उसको पता ही होने चाहिए। आप सबको पता होगा, याद होगा, सबको समझ भी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि एक बार ये एडवांस्ड कंप्यूटर शुरू करने से पहले मुझे आज एक टॉपिक, एक सेशन आप लोगों का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का ज़रूर लेना चाहिए, सो दैट पिछले 4-5 सालों में जितना आपने कवर किया वो सब एक बार ही आप गो थ्रू हो जाओ उसके। ठीक है, तो कंप्यूटर्स तो आप सबको पता ही, आजकल सबके हाथ में लैपटॉप्स हैं, सबके पास डेस्कटॉप्स हैं, स्कूल में लैब में डेस्कटॉप्स रहते हैं, बाकी हम कहीं भी जाते हैं, वेर एवर वी गो, मॉल्स में या कहीं पे शॉप्स में, अभी तो सब कुछ बंद है, लेकिन आप पहले जब जा रहे थे बैंक में, हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप देख रहे हो एवरीथिंग इज़ गेटिंग कंप्यूटराइज्ड। तो सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से ही हो रहा है। तो जैसे आपको सामने दिख भी रहा है कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन और बोरिंग क्वेश्चन जो पूछा जाता है पहली क्लास में कंप्यूटर की, और कई बारी इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, आपका आंसर बहुत इफ़ेक्टफुल, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक रटा रटाया आंसर नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपको सामने दिख रहा है, दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेसेस। ठीक है, आंसर इज़ करेक्ट, बट आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि येस कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। हाँ, कंप्यूटर को आप ऑन करके रख दो अपने सामने, वो कुछ नहीं करेगा अनलेस एंड अंटिल आप उसको कुछ इनपुट देंगे। तो ठीक है, आपने उसको कुछ इनपुट दिया, इनपुट कैसे दे सकते हैं, माउस को क्लिक किया किसी चीज़ पर, कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया, दैट बिकम्स इनपुट। जब आपने कोई फाइल स्टोर करी, सेव करी, कुछ प्रोसेसिंग करी, 2+3 किया, या आपने कोई फाइल इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करी, दैट इज़ ऑल्सो प्रोसेसिंग। तो आप जब तक कुछ बोलोगे नहीं, लैपटॉप ऑन करके मैं सामने रख दूँ और सोचूँ कि कुछ करेगा वो अपने आप ही, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इट स्टोर्स और प्रोसेसेस द इनपुट एंड अल्टीमेटली गिव्स अस द आउटपुट। जो आप उसको बोल रहे हो, जो आप उसको प्रोसेसिंग करने को बोल रहे हो, वो करके वो आपको एक आउटपुट दे देता है। ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर कि शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी, वो जो स्टार्ट का बटन है, वो जो बूटिंग है, वो भी हमें ही शुरू करना पड़ेगा। कंप्यूटर को नहीं ख्याल आएगा कि मैडम सामने आके बैठ गई हैं तो मैं ऑन हो जाता हूँ, या मेरा स्टूडेंट सामने आके बैठ गया है तो मैं ऑन हो जाता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसीलिए लिखा जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है। द थिंग दैट गोज़ इनसाइड द कंप्यूटर बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द वर्ड इन, सो इट बिकम्स इनपुट। ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन विच कम्स आउट फ्रॉम द कंप्यूटर, जो आप पढ़ते हो, चाहे उसको आप मॉनिटर पे पढ़ लो, चाहे उसको आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो, दैट बिकॉज इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्यूटर, तो इसलिए उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है, आप सबको याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार ही थोड़ा सा ब्रशिंग अप हो जाता है। तो कंप्यूटर इनपुट जो हम डाटा उसको दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, जो हम मतलब उसको मैटर दे रहे हैं, ज़्यादातर उसको रॉ लैंग्वेज में हम डाटा बोल देते हैं, और जो वो हमें रिजल्ट्स दे रहा है उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। वैसे आम बातचीत में हम बोल देते हैं हमने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन नहीं दी, उससे डाटा नहीं मिला, दैट इज़ रॉन्ग। जो कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है इनपुट के फॉर्म में, एक्चुअली दैट इज़ डाटा, और जो कंप्यूटर हमें देता है आउटपुट के फॉर्म में, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स। तो ये सामने आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इनपुट गोज इन टू द कंप्यूटर, इट प्रोसेसेस एंड इट कम्स आउट विद द आउटपुट। दिस इज़ अ सिंपलेस्ट वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर। तो ये एक डायग्राम आप अपने दिमाग में बिठा लो, उसके बाद आपको कोई इंटरव्यू में, कोई क्लास में कभी कोई डेफिनेशन पूछी जाए, कोई एंट्रेंस के टाइम कोई MCQ आ जाए छोटा मोटा, ये डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो आप कभी भी उसको गलत नहीं करेंगे। द प्रोसेसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू डाटा, डाटा पे कौन से काम हो सकते हैं, अरिथमेटिक काम और लॉजिकल काम। अरिथमेटिक हमारा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशियल, स्क्वायर रूट, पावर, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, फिर लॉजिकल ऑपरेशंस, लेस दैन, ग्रेटर दैन, एंड, और, ये सब हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। जो अरिथमेटिक में नहीं आए
जो मैथ्स कवर नहीं कर पाया वो सारे किस में आ गए, लॉजिकल में। नाउ ये अब एक डायग्राम ऐसा आ गया जो सिक्स क्लास से टीचर शुरू होती है कि बच्चों अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, तो मैं भी बोलूँगी कि टेंथ में एक कॉपी लगा लीजिए और इस डायग्राम को बना लीजिएगा। सो दिस डायग्राम से सबसे बीचों बीच कंट्रोल यूनिट, एक इसको हम कंट्रोल यूनिट को क्या बोलते हैं, हम छोटे बच्चों को भी ऐसे ही समझाते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन जो बीच में खड़ा है। वैसे भी आपको दिख रहा है एक चौराहा है, बीच में कंट्रोल यूनिट है, एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है, वो डिसाइड करेगा कब कौन से साइड की ट्रैफिक चलेगी, कब कौन से साइड की ट्रैफिक रुकेगी। नाउ व्हाट इज़ इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। देखो इनपुट यूनिट जो है बनी है इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस आप सबको याद होगा, इनपुट जो डिवाइस जो चीज़ें आपके कंप्यूटर में इनपुट देने में सहायता करती हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। और इन्हीं सब डिवाइसेस को मिलाकर एक कंबाइंड वर्ड जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एन इनपुट यूनिट। उसी तरह आउटपुट यूनिट क्या है, जो आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, ये हो गई हमारी मॉनिटर हो गया, स्क्रीन हो गई, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, जिसमें से आपको कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर से बाहर जब आ रही है दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, बाहर से अंदर जा रही है तो दैट इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो ये डिवाइसेस जब कलेक्ट हो जाती हैं इनके कलेक्शन को हम बोल देते हैं आउटपुट यूनिट। ओके नाउ कंट्रोल यूनिट, जो बीचों बीच आपको यूनिट दिख रही है इस डायग्राम में दैट इज कंट्रोल यूनिट, जो इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करेगा, इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, और ये नीचे जो इन्होंने इनपुट यूनिट लिख दिया है दैट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे मेमोरी लिखा जाता है, इनपुट यूनिट गलती से लिखा गया बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द लेफ्ट साइड। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, ये देखिए यहाँ पे ALU के नीचे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नीचे ये देखो मेमोरी लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब वो डायग्राम में गलती से इनपुट यूनिट लिख दिया गया। अच्छा चलिए हम कंट्रोल यूनिट पे आ जाते हैं। कंट्रोल यूनिट नाम से ही क्लियर है, जो कंट्रोल करेगा। तो अभी मैंने बताया इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, वो कंट्रोल करेगा कि कौन सी ट्रैफिक आएगी, कौन सी रुकेगी, कब किसकी प्रोसेसिंग होनी है, कब फाइल सेव होनी है, कब फाइल प्रिंट आउट निकलेगा। मतलब आपने एक बारी में कंप्यूटर को बहुत कुछ बोल दिया कि भाई गाना भी चला दो, ये गेम भी शुरू कर दो, वर्ड फाइल भी खोल दो, एक्सेल की प्रिंटिंग कर दो। अब कंप्यूटर के अंदर कोई बंदा थोड़ी ना बैठा है जो सोचेगा कि पहले मैं क्या करूं, तो वो वर्क कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। नाउ एक और यूनिट है कंप्यूटर के अंदर ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखो यकीन मानो कि जब हम MCQs एंट्रेंस टेस्ट भी देते हैं किसी, चाहे आप सर्विस के लिए दे रहे हो, चाहे आप अपने ये जो साइंस के आगे जो स्ट्रीम सेलेक्ट होती है उनके लिए दे रहे हो, तब भी ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी कई बार ये ऐसे मिलते जुलते आंसर्स होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए जो चीज़ पढ़ो और जो चीज़ को समझो उसको इतनी गहराई से समझ लो कि दोबारा उसमें कन्फ्यूजन का कोई पॉइंट ही ना रहे, ठीक है। तो व्हाट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विल टेक प्लेस। इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं, अरिथमेटिक भी लॉजिक भी, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होंगे और लॉजिकल ऑपरेशंस भी होंगे। अब बात आ जाती है मेमोरी की। मेमोरी दो टाइप की बताई इन्होंने, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो जो हम बेसिकली रैम को बोलते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी वो जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर्ड रहता है, ऐसी फाइल्स हमारी स्टोर्ड रहती हैं। जैसे आज मैं अगर कुछ सेव कर दूँ, लैपटॉप अपना बंद कर दूँ, कल को मैं दोबारा खोलूँ तो वो फाइल मुझे मिल जाएगी बिकॉज़ इट वाज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। ये जो एक PDF मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है, अभी ये PDF मैंने कहीं स्टोर नहीं किया, सपोज़ मैंने सिर्फ इसको ऑन करके रखा हुआ है, ओके, या मैंने नेट से सपोज़ करो इस पेज को आपको दिखा रही हूँ मैं, कहीं तो ये पेज स्टोर हो रहा है कि आपको दिख रहा है। अगर कहीं स्टोर नहीं हो रहा होता तो ये बार बार बंद हो रहा होता, बार बार मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ता, बार बार खोलना पड़ता मुझे इसको, तो इसका मतलब ये भी कहीं स्टोर हो रहा है। मैंने नहीं बोला लेकिन इसको स्टोर होने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती हैं, दैट बिकम्स रैम। और बाय चांस मेरे लैपटॉप की बैटरी एकदम से ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, मैंने इस पेज को कहीं स्टोर नहीं किया, सेव नहीं किया, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम अपना लैपटॉप चार्ज करके ऑन करूँगी क्या ये